प्लेट दुकानदारों के नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई वेजिटेरियन है तो आखिर उसके साथ धोखा होगा अगर उसे पता ना हो कि वो किस तरह की दुकान में भोजन कर रहा है। बड़ी टिप्पणी है इस मामले में। वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि स्वेच्छा के नाम पर जबरन आदेश लागू किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है। और पीयूष हमें और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। पीयूष, अभिषेक मनु सिंघवी की बड़ी टिप्पणी आई, लेकिन इस बीच जजेस की तरफ से भी कहा जा रहा है कि नॉनवेज और वेजिटेरियन को इसमें लाइन खींची जानी जरूरी है। और अभिषेक मनु सिंघवी क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अभिषेक मनु सिंघवी लगातार ये कह रहे हैं कि जो डायरेक्टिव जारी हुआ है पुलिस की ओर से, उसमें नाम तो स्वेच्छा का लिया जा रहा है, लेकिन उसे जो लागू कराया जा रहा है वो जबरन कराया जा रहा है। यानी कि कहीं भी कोई रेडी पटरी वाला दुकानदार है, उसे कहा जा रहा है कि आप हर हाल में अपना नाम और पता और ये स्पष्ट करें कि आखिर आप क्या बेच रहे हैं। चूँकि इस मामले में अभिषेक मनु सिंघवी ये कहना चाहते हैं कि इस जो आदेश आया है वो अभी तक पुलिस की तरफ से जबरन लागू कराया जा रहा है, और जबकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये कहा गया है कि अगर कोई वेजिटेरियन है और सावन के महीने में वो कांवड़ लेकर के जा रहा है, और ऐसी स्थिति में अगर वो किसी दुकान में या कहीं पर किसी रेस्टोरेंट में खाना खाना चाहता है तो उसे पता होना चाहिए कि वो कहाँ खाना खा रहा है। तो ये एक सहज सवाल सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी याचिकाकर्ताओं से किया गया है, ताकि इस मामले में स्पष्टता आ जाए कि उन्हें समस्या कहाँ पर है, डायरेक्टिव से समस्या है या फिर इस आदेश को बहुत तेजी से लागू करवाने पर समस्या है। वो ये कोर्ट ये जानना चाहती है कि जो याचिकाकर्ता हैं वो यहाँ पर क्योंकि आर्टिकल 25 के बेसिस पर नहीं आए हैं, और ये जो डायरेक्टिव है ये कानून व्यवस्था में बिगाड़ करने या ख़राब करने के मद्देनज़र जारी किया गया है, और इससे किसी भी तरह से भेदभाव नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक का वायोलेशन भी नहीं है। तो कोर्ट ये जानना चाहती है कि आखिर जो याचिकाकर्ता आए हैं वो चाहते क्या हैं, क्योंकि अगर वो पार्शियल रिलीफ चाहते हैं तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ये आदेश जारी कर सकता है कि अगर स्वेच्छा कहा गया है तो स्वेच्छा के आधार पर ही लागू कराया जाए। और इसके इतर पूरा आर्गुमेंट अभी चल रहा है कि आखिर स्वेच्छा और जबरन के बीच उन्होंने अंतर कैसे निकाला याचिकाकर्ताओं ने, ये उन्हें कैसे पता लगा कि जो आदेश लागू कराया जा रहा है वो जबरन लागू कराया जा रहा है। जी बिल्कुल बड़ी बात बता रहे हैं पीयूष। और ये जो आर्ग्यूमेंट्स है ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि खाने को लेकर ये पता होना चाहिए कि दुकानदार कौन है लोगों को, और साथ ही अभिषेक मनु सिंघवी ये कह रहे हैं कि स्वेच्छा के नाम पर जबरदस्ती हो रही है।